हम इस मंदिर में अंदर वैसे फोटो खींचना मना है, बट मैं फिर अगर होगा अलाउड तो दिखा देंगे। वैसे सुनने में तो आया मंदिर काफी अच्छा है, बाकी आपको बाहर आके रिव्यू देते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो फटाफट चलो, तो गुफा स्टार्ट होगी ना। चलो यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ आया हुआ हूँ बट नहीं आया हुआ। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। ऐसे ऐसे मंदिर ना हरिद्वार में भी बहुत हैं। हरिद्वार में बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं हैं। एक मंदिर मैं भी गया था जिसमें गुफाएं थी। माता की मूर्ति के अंदर गुफाएं बनी हुई हैं। हाँ बहुत, और इतनी पतली पतली जगह से निकल के जाना पड़ता है ना। चलो चलो हे प्रभु, चल भाई तू भी चल, मैं भी आता हूँ। ओके नहीं आना पड़ रहा, निकल आए छोटी सी जी भाई। हाँ हेलो कर लेते पहले से, उसके सामने से रास्ता होगा, यहीं से जाना होगा। चल तू चल आया। काफी अच्छा है ना यार ये अशोक वाटिका की है, जब सीता माता जी को वहां पे रखा गया था। यार तिरुपति बालाजी अभी पता नहीं कांच टूटा हुआ है क्या है, समझ नहीं आ रहा, आराम से जाना पड़ेगा। सारी जगह इतने शीशे से कलाकारी हुई पड़ी है यार। चलो भाई एक और गुफा आ गई, हाँ वैष्णो देवी जैसी आ गई ना कि यहाँ से निकलो। चलो रुक मैं जाता हूँ, बसू रुक जा पहले मुझे जाने दे, तू वीडियो बना। माता दी भाई नीचे पानी है। ओहो वाओ ना यार, मंदिर तो काफी अच्छा रहा। और लास्ट में जो गुफा थी उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के दर्शन थे, जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। और बाकी तो बहुत अच्छा रहा मंदिर, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे तो मॉल ही जाएंगे, काल वो गए हैं शूज लेने और वंश में यहाँ खड़े हैं। ये रहा आई लव अमृतसर और ये बस वंश भैया फोटो खिंचवा रहे हैं। मॉल देखो यार, मॉल देखो यार कितना बड़ा है। इसका तो फोटो शूट ही खत्म नहीं होता। ये बेचारा पिता बैठा है तो रहने चश्मे ट्राई करना, बट इसमें मेरे को पता है इसमें लेके कुछ नहीं आना। मैंने तो एक चश्मा ट्राई करा वो भी 26,000 का, कुछ भी कहता मैं तो छोड़ के आ गया ऐसे ही। अरे जस्ट तो रहा था यार, बट इतना महंगा चश्मा पागल है क्या? हाँ 5-6 लेता हूँ ना, अपनी अपनी किटी नहीं बेचूंगा ना, फिर लाऊंगा भाई। एक तो ना एक तो उसका साइज देख के मतलब मॉल इतना बड़ा है ना यार, ये देख के इतना डर लग रहा है। और वैसे हम एलिवेटर पे हैं, इनकी तो नीचे फोटोशूट ही चल रहा है, आ जाओ फटाफट ऊपर क्योंकि ना पतला जहा हो गया। इसमें सही है नॉर्मल। ए
यहाँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं बट KFC से हमारा कोई लेना देना नहीं है। डोमिनोज फिलहाल ये तो है हम मॉल के टॉप पे, और ये देखो पूरा अमृतसर दिख रहा है। ये डोमिनोज के पिज्जा आ चुके हैं, अब हम मिलके खाएंगे। तो भाई पिज्जा रेडी है, एक और पिज्जा हट से आ रहा है बट हमने कोई भी मनी पे नहीं करी, सारे कूपन यूज करें। जी सुनते हो, खोलिए ना खोलिए ना, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना यार, ये तो खोल ही नहीं रहे, छोड़ हम कहीं और ही चलते हैं। अंदर तो एंट्रेंस गए थे बट बाहर आ रहे हैं पार्किंग की साइड से, बस नीचे नीचे वो ग्राउंड फ्लोर जाया जा रहा था, हमें पता नहीं था कहाँ पे है। कर लो रेस्ट यहीं पे कर लो, कर कर बॉडी बनाइयो। देखता हूँ कितनी देर कर पाता है, बस दो में थक गया। टाइम पास करके आ गए इस मॉल में। हेलो गाइस, अभी हम आ चुके अपने सेकंड मॉल में। चलो भैया चलो सेकंड में चलते हैं। We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Mall to काफी अच्छा है, but खरीदना अपने कुछ भी नहीं। तूने कुछ लेना तो ले ले अपने लिए, यहाँ से देख ले कुछ फिट आता हो तो ले ले यार, तू ले ले, तेरे को भी फ्री ऑफर है, यहाँ से ले ले, वन फ्राइडे यहाँ से भी ले सकता है। करना है ट्राई इस पे, कर ले फिर अगर करना है तो। हार के चलो वापस घर। लो जी ऑटो वाले ने तो हमें पीछे तार दिया, अब हम जा रहे हैं। भाई सडनली हमारी सलाह बन गई बागा बॉर्डर जाने की, पता नहीं चलता कब का आया उधर से। के लिए लेट तो हो चुके हैं बट अभी रिक्शा में बैठे हैं, फटाफट जा रहे हैं, देखते हैं। ये रहे हमारे भैया जी, फुल मेहनत कर रहे हैं हमें छोड़ के तो आ रहे हैं वहाँ पे। ओ भाई 1.5 किलोमीटर दौड़वाने के बाद बागा बॉर्डर से बाहर तो आ चुके हैं बट यहाँ पे अब जाने की दिक्कत हो रही है। एक तो वैसे ही हम लेट हो चुके हैं, और क्या बोलते हैं अभी तक तो गुरुद्वारा साहिब भी नहीं हुए यार, पता नहीं अभी तक गुरुद्वारे में भी नहीं गए, अभी पता नहीं टेक्का। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
फाइनली दर्शन करके और लंगर चख के, बिल्कुल बहुत ही मजेदार लंगर था। अब हम अपने रूम में आ चुके हैं। ये रमेश भैया लाइट जला दी। भूत तो नहीं अंदर कोई? नहीं भाई, नहीं यार। तो गाइस अब इसी के साथ हम इस रूम को बोलते हैं अलविदा। हमारे बैग पैक हो चुके हैं, मेरा ईशांत और वंश और वासु तो नीचे जा चुके हैं। अब हम फटाफट बैग लेके नीचे जाते हैं क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो हमने सर के ब्लॉग में ये सब था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं मिलता हूँ आपसे वैष्णो देवी के ब्लॉग में। चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।